क्लास आज हमारा टॉपिक है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम। ओके, तो ये जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ था? 1951 में। फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन द ईयर 1951 में, ठीक है। इन 1977 में द GOI redesignated द नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम एज अ नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। 1977 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रीडिज़ाइन किया, मतलब दोबारा से इसको रीडिज़ाइन करके नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, ये पहले जो नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो पहले नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के नाम से था, ठीक है, जिसको 1977 में इन्होंने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को, ठीक है। तो 1977 में ये नेशनल फैमिली प्रोग्राम में कन्वर्ट हुआ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके कॉन्सेप्ट हैं कि इसको क्यों फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम को क्यों बनाया, क्यों इसको रीडिज़ाइन किया, क्यों इसको चेंज किया फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये जो कॉन्सेप्ट है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम का, उसका क्या मेन कॉन्सेप्ट है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको क्या बनाना है, बहुत अच्छा बनाना है। मतलब कि ये बेसिक किस पे रिलेट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो लोगों की लाइफ है उसको, उसकी क्वालिटी को अच्छे से बढ़ाना है, लोगों को अच्छे से रहने के लिए, मतलब उनकी जो लाइफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, उसको अच्छे से बनाए, उनकी जो क्वालिटी है उसको बढ़ाएँ, ये इसका मेन एम था, ये इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे एज सच इट इंक्लूड, जिसके अंदर क्या इंक्लूड हो सकता है क्वालिटी ऑफ लाइफ में, इंक्लूड एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वुमन्स वेलफेयर एंड राइट्स, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ऑल वाइटल फैक्टर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर, ठीक है। क्या इंक्लूड एजुकेशन, मतलब इसके अंदर क्या क्या, जो भी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना है तो इसके अंदर क्या क्या होगा, एजुकेशन प्रोवाइड करना है वुमन्स के लिए, जो वुमन्स वेलफेयर एंड राइट्स, वुमन्स के जो राइट्स हैं उनको लिए उनको अवेयर करना है, ठीक है, और उनके साइड राइट्स उनको देना है। शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, मतलब कि जो ड्रिंकिंग वाटर पीने का पानी उसको सेफ, अच्छा पानी, साफ पानी पिए, ठीक है, और न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए। एजुकेशन के लिए प्रमोट किया कि बच्चों को, जो भी फैमिलीज हैं, फैमिलीज में बच्चों को एजुकेटेड होना क्यों ज़रूरी है, मदर को एजुकेटेड और फादर को एजुकेटेड होना क्यों ज़रूरी है, उन सब के बारे में इस फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में बताया गया, ठीक है। अब हम देखते हैं इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। इसका एम्स है फर्स्ट टू प्रमोट एडॉप्शन ऑफ स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म, ठीक है। किसके लिए प्रमोट किया गया कि जो स्मॉल फैमिली साइज़ है, मतलब कि छोटा परिवार, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए इन फ्यूचर, आपके बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले, आप लोग को आगे कोई ना डिसीज़ कंडीशन ना हो, इसके लिए उन्होंने इसके लिए प्रमोट किया कि स्मॉल फैमिली साइज़ मीन्स एक या दो बच्चे से ज़्यादा जो पैदा नहीं करना है, ठीक है, बच्चों को जन्म नहीं देना है, जिससे उनकी जो फैमिली है वो बहुत अच्छे से अपनी लाइफ स्पेंड कर सके, ठीक है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल सके और उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो इम्प्रूव हो सके। इसके लिए क्या प्रमोट किया गया, स्मॉल फैमिली नॉर्म को, स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म को, मतलब कि हम, आपने सुना है कि हम दो हमारे दो, ये वाली इस चीज़ को फॉलो करें, ये था इनका मेन एम। सेकेंड एम इज़ टू प्रमोट द यूज़ ऑफ स्पेसिंग मैथड, ठीक है, और फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स का एम था कि जो यूज़ ऑफ स्पेसिंग मैथड्स, मतलब स्पेसिंग मैथड्स का यूज़ के लिए प्रमोट करना, ये यदि एक दो बच्चों के बीच में 2 to 3 years का गैप इंटरवल होना ज़रूरी है, ठीक है, तो इसके लिए क्या करें, स्पेसिंग मैथड्स को यूज़ करो। स्पेसिंग मैथड्स में अभी आपको पढ़ाऊँगी और आपने सेकेंड ईयर में कम्युनिटी में आपने पढ़ा भी होगा कि स्पेसिंग मैथड्स क्या क्या हैं, ठीक है, तो किसके लिए प्रमोट करना कि यूज़ ऑफ स्पेसिंग मैथड, मतलब स्पेसिंग मैथड्स के यूज़ के लिए प्रमोट करना। टू एंश्योर एडिक्वेट सप्लाई ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स टू ऑल एलिजिबल कपल विद इन ईजी रीच, ठीक है, जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव्स हैं उनकी सप्लाई को एडिक्वेट करना, ठीक है, एंश्योर करना, और जो भी एलिजिबल कपल हैं उन तक ये पहुँच सके।
ठीक है, थ्रू CSC, थ्रू PSC या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हॉस्पिटल, तो जो भी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, ठीक है, या फिर नेचुरल और बेसेक्टमी, ट्यूबेक्टमी, या फिर आप फिजिकली वेरियर मेथड्स, वो सारी चीज़ें उन तक पहुंच सके, इसके लिए क्या करना है, हमें एडुकेट सप्लाई देना है कॉन्ट्रासेप्टिव्स की। ओके, तो ये तो थे एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एम्स में फर्स्ट था कि जो भी स्मॉल साइज नॉर्म है, फैमिली नॉर्म, उसको प्रमोट करना है, ठीक है, स्पेसिंग मेथड्स का यूज़ करने के लिए प्रमोट करना है, देन इंश्योर करना है जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस है उनका वो यूज़ कर सके, उन तक पहुँच सके। ओके, अब हम देखते हैं गोल्स क्या हैं, ठीक है, तो गोल्स में है रिडक्शन ऑफ डेथ रेट फ्रॉम 10 to 9 per 1000, ठीक है, 1992 में जो डेथ रेट है वो कितनी रिड्यूस हुई, पहले 10 थी, देन उसके बाद 9 पर 1000 में से, पहले 10, फिर उसके बाद लेस होके ये 9% हो गई, ठीक है, ये आंकड़ा एक बताया गया है 1000 पीपल्स में से लेके निकाला गया है, ठीक है, तो डेथ रेट कितनी रिडक्शन हुई, 10 से लेके 9 तक पहुंच गई। राइजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट, जो कपल प्रोटेक्शन रेट है मैंने आपको बताया था MTP एक्ट में ही बताया था, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन रेट है, मतलब अपने जो सेक्सुअल टाइम पे जो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है, प्रोटेक्शन मीन्स कोई डिसीज कंडीशन ना हो उसके लिए जो भी प्रोटेक्शन रेट है कपल प्रोटेक्ट करके रखते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, उसकी रेट कितना हुई, 43.3 थी, ठीक है, उसके बाद ये 60%, मतलब पहले 43.3% लोगों ने इसका यूज़ किया, जो भी प्रोटेक्शन रेट है या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है उनका यूज़ किया 43.3, बट ये बढ़ के कितना हो गया 60%, इतना इसमें इम्प्रूव आया है, ठीक है, इन 1990 में, ये सारे जो भी हुआ 1990 में ही हुआ है, ठीक है, रिडक्शन इन एवरेज फैमिली साइज फॉर्म फ्रॉम 4.2 to 2.3, ठीक है, फैमिली साइज फ्रॉम, मतलब जो फैमिली का साइज़ है वो पहले कितना था 4.2% था, लेकिन अब कितना हो गया 2.3, मतलब पहले बहुत ज़्यादा बच्चे होते थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा बच्चे जन्म लेते थे एक परिवार में, कम से कम 4 से 5 लोग, तो अब वो क्या रिडक्शन हो गई रेट, कितना पहले 4.2 था अब 2.3 स्मॉल फैमिली साइज़ हो गया, ठीक है। अब हम देखेंगे डिसीज़ इन इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 79 इन 1992 टू लेस देन 60 per 1000 लाइव बर्थ, ठीक है, जो इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट थी पहले ज़्यादा थी 79, बट अब कितना हो गया है कम, 60 पर पहुंच गई है, पर 1000 में से कितने 60% बच्चों की डेथ, नहीं पहले 79 की होती थी अब लेकिन कम हो गई है 60%। ओके, तो ये था हमारे गोल्स कि क्या हमें करना है, रिड्यूस करना है, क्या वो सारे हमारे गोल्स से। अब हम देखते हैं स्ट्रेटजीज क्या है फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम की। इसकी फर्स्ट स्ट्रेटजी है कि इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज, ठीक है, जो हेल्थ सर्विसेज हैं उनके साथ इंटीग्रेट करके चलना है, मींस जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं, ठीक है, या फिर CSC PSC जो भी, उनके साथ हमें इंटीग्रेट होकर चलना है, MCH केयर प्रोवाइड करना है, MC मतलब मदर और चाइल्ड को सारी हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करना है, इम्यूनाइजेशन के बारे में बताना है, ठीक है, तो हॉस्पिटल्स में जाके या फिर कम्युनिटी में जाके वो सारी जो भी हेल्थ सर्विसेज है उनके साथ इंटीग्रेट करना है हमें हॉस्पिटल्स में, और उन्हें जाके सारी हेल्थ एजुकेशन देना है। यही था इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज, मतलब जो भी हेल्थ सर्विसेज हैं जो हम प्रोवाइड करते हैं हेल्थ केयर या सर्विसेज, MCH केयर सर्विसेज, ठीक है, इम्यूनाइजेशन, एंटी नेटल केयर, पोस्ट नेटल, इन सब के साथ क्या करके चलना है हमें, इंटीग्रेट करके चलना है। सेकंड वन इज़ लिटरेसी। लिटरेसी मींस जो भी प्रेग्नेंट वूमन होगी या मदर होगी उनको क्या होना चाहिए, लिटरेट, मतलब पढ़ा लिखा होना जरूरी है, क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि उन्हें एजुकेशन होगी तो वो पता कर, मतलब इतना जानते होंगे कि हाँ हमें दो बच्चों से ज़्यादा बच्चों को जन्म नहीं देना है, क्योंकि आगे जाके और प्रॉब्लम्स आएंगे, ठीक है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होगा, ठीक है, तो इसके लिए क्या है, लिटरेसी, मतलब पढ़े लिखा होना जरूरी है जो उनकी फैमिली में
मदर होंगी या फादर होंगी तो उन्हें पढ़ा लिखा होना ज़रूरी है, ठीक है, जिससे वो बेनिफिट्स पता कर सकें, ठीक है, उन्हें एजुकेशन एजुकेटेड होंगे तो वो इम्यूनाइजेशन के बारे में पता करेंगे, ठीक है, और उन्हें यदि एजुकेटेड वो होंगे तो वो अपने बच्चों को भी अच्छे से हेल्दी रख सकेंगे, ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग भी अच्छे से करवा सकेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं कि लिटरेट होना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट है ब्रेस्ट फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग में क्या है कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दिलाना है। क्यों दिलाना है? बहुत से लोग सोचते हैं, जो पहले के जो लोग थे वो क्या करते थे, कोलेस्ट्रम जो होता है उसे नहीं पिलाते थे, वो कहते थे कि नहीं, पहला जो माँ का गाढ़ा दूध है वो बेकार होता है। बट ऐसा नहीं है, कोलेस्ट्रम को देना चाहिए बच्चे को, ठीक है, क्योंकि वही पहला माँ का गाढ़ा दूध होता है जिससे उसमें बहुत ज़्यादा एंटीबॉडीज़ रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन्स रहते हैं जो बच्चे को किसी भी डिसीज से प्रोटेक्ट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, उनसे कोई भी एंटीबॉडीज़ रहती है तो वो डिसीज से लड़ने में हेल्प करती हैं, ठीक है, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग के लिए भी प्रमोट करना चाहिए, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग देना चाहिए। यदि उन्हें नहीं पता कि कैसे ब्रेस्ट फीड करना है तो बहुत से लोग क्या करते थे पहले कि गाय का दूध दे देते थे या फिर मिल्क पाउडर दे देते थे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। स्टार्टिंग के 6 मंथ तक बच्चे को ओनली ब्रेस्ट फीडिंग ही कराना है, ठीक है, और क्या करना है, जो भी कुछ खाने के लिए दे देते थे दूध दलिया ऐसा नहीं करना है, पानी तक नहीं पिलाना है, ओनली ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना है। ओके, नेक्स्ट है राइजिंग द एज फॉर मैरिज। जो मैरिज की एज है, ठीक है, जैसे पहले क्या होता था कि 18 और 19 से कम एज के, हमारी जो नॉर्मल रेट है वो कब क्या है, 18 to 19, मतलब जो भी गर्ल्स की मैरिज की जो एज है वो है 18, ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, लोग 16, 17 या 15, 12 इसमें ही शादी कर देते थे, जिससे क्या होता था, बच्चों जो वूमन है उनके अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी, जो बच्चा होता था वो इमैच्योर होता था, ठीक है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होता था, और जो मदर्स होती हैं उनको वो भी अच्छे से मैच्योर नहीं होती, उन्हें एजुकेशन नहीं होती, उन्हें पता नहीं होता कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ नहीं है, ठीक है, तो इन सब के लिए क्या है, जो भी एक टाइम पीरियड पे ही उनकी शादी होना चाहिए गर्ल्स की, ठीक है, यदि छोटी एज में शादी करेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होंगे क्योंकि उन्हें वो उसके लिए मैच्योर नहीं होंगे, ठीक है, और जो बच्चा होगा वो भी मैच्योर होगा, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो ये था राइजिंग द एज फॉर मैरिज। नेक्स्ट है इंसेंटिव। इंसेंटिव का मीन्स ये है कि जो भी लोग हैं उनको प्रोत्साहित करना, मीन्स कैसे लोग जो पुअर फैमिली से रिलेट करते हैं, ठीक है, उनको बताना कि आपके लिए क्या बेनिफिट है, जैसे हमने आपने सुना होगा लाडली लक्ष्मी योजना, ठीक है, लाडली लक्ष्मी योजना में क्या आता है कि जो फर्स्ट बेबी, मतलब फर्स्ट जो गर्ल चाइल्ड होगा तो उसे 1 लाख तक की उसे प्रावधान देने का प्रावधान है, ठीक है, उसकी एफडी होती है और जब वो मैरिज हो जाती है उसकी, उस टाइम पे, उस मैरिज के टाइम पे उसकी जो एफडी है वो उनको दे दी जाती है। तो ऐसे जो प्रावधान है उनके बारे में हमें जो लोग हैं पुअर फैमिलीज़ हैं उनको बताना चाहिए कि हाँ आपको कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, आपके बच्चों के लिए या आपकी फैमिली के लिए प्रावधान जो दिए गए हैं वो उनका यूज़ करें आप, ठीक है, तो ये सब इंसेंटिव के अंदर आता है, ठीक है, और जो भी यदि ये भी देखा होगा आपने कि यदि एक बच्चा हो गया उसके बाद आप एक बच्चा और कर सकते हैं, यदि आपके 2 से ज़्यादा बच्चे हो रहे हैं तो वो जो आपकी जो एफडी बनाई गई है आपकी बच्ची की वो बंद हो जाएगी, जो स्कीम है वो ख़त्म हो जाएगी, इसके लिए ये सारी चीज़ों को उन्हें बताना है कि हाँ गवर्नमेंट आपका हेल्प कर रही है, ठीक है, ये सब चीज़ उन्हें बता के देना है, ये था इंसेंटिव में। नेक्स्ट है मास मीडिया। मास मीडिया मीन्स न्यूज़पेपर्स, ठीक है, पपेट शो या फिर नुक्कड़ नाटक, रोल प्ले, इन सब के थ्रू हम बता सकते हैं बच्चे, उनको जो फैमिलीज़ हैं उनको अवेयर कर सकते हैं कि कितने बच्चों में कितना इंटरवल रखना चाहिए और आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बोलना चाहिए, देन एजुकेशन के लिए प्रमोट करना चाहिए, फैमिली में स्मॉल फैमिली साइज़ के लिए उन्हें बोलना चाहिए, तो ये सब मास मीडिया नुक्कड़ नाटक के थ्रू हम बता सकते हैं, उनको अवेयर कर सकते हैं फैमिलीज़ को कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है, और बच्चों को कितने टाइम बाद स्पेसिंग मेथड्स यूज़ करना चाहिए स्मॉल फैमिली साइज़ के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शंस।
ये तो स्ट्रेटेजीज थी, आपको समझ में आ गई होंगी। इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज, मतलब हेल्थ सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करके चलना है। लिटरेसी मीन्स पढ़ा लिखा होना जरूरी है। ब्रेस्ट फीड, मतलब ब्रेस्ट फीड एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रमोट करना चाहिए। और राइजिंग द एज फॉर मैरिज, जो मैरिज की जो एज है वो 18 तक ही उनकी शादी होना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, जिससे फिर और कॉम्प्लिकेशंस होंगे उनकी प्रेगनेंसी के टाइम पे और बच्चा भी इमैच्योर होगा। ठीक है, इंसेंटिव में जो भी आपको प्रोत्साहन दिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू, उन सबका यूज़ करना चाहिए, उनके बारे में पता होना चाहिए। मास मीडिया मीन्स हमें क्या करना है, जो मास मीडिया न्यूज़पेपर्स या पपेट शो या कोई भी नुक्कड़ नाटक रोल प्ले या फिर चार्ट्स के थ्रू या फिर कोई ऐसा अवेयर, मतलब फैमिली में जा जाके ऐसे अवेयर करना चाहिए, जिससे वो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम्स के बारे में जाने, उनका यूज़ करें, स्पेसिफिक मेथड्स का यूज़ करें, स्मॉल साइज फैमिली नॉर्म को जानें, ये सब। ठीक है, अब हम देखते हैं मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन। मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में टू टाइप्स के होते हैं, स्पेसिंग मेथड एंड टर्मिनल मेथड्स। ठीक है, स्पेसिंग मेथड्स में नेचुरल वेरियर, नेचुरल मीन्स इसमें विड्रॉल वगैरह जो आएंगे वो नेचुरल के अंदर आएगा। ठीक है, वेरियर मेथड्स में फिजिकल, फिजिकल में क्या है, जो हम देंगे फिजिकल में हमारा केमिकल में आएगा, हमारा सपोजिटरीज जेलीज, ठीक है, ये सब आएगा फिजिकल में आएगा, कॉन्डोम डायफ्राम, ठीक है, और आईयूडी में इंट्रायूटराइन डिवाइस मींस जो कॉपर्टी वगैरह है वो सब, हार्मोनल में ओरल पिल आई पिल, ये सब आएगा। टर्मिनल मेथड्स में है वैसेक्टमी एंड ट्यूबेक्टमी। वैसेक्टमी हम मेल में करते हैं एंड ट्यूबेक्टमी फीमेल में करते हैं। वैसेक्टमी में जो वैस डिफरेंस होता है उसको क्लिप आउट करते हैं एंड ट्यूबेक्टमी में जो फैलोपियन ट्यूब्स होती हैं उनको क्लिप आउट करते हैं। ठीक है, तो ये सारे मेथड्स से कॉन्ट्रासेप्शन के अपने पढ़ चुके हैं, बट मैंने फिर भी थोड़ा सा रिवाइज कराने के लिए आपको बता दिया। आप कम्युनिटी में पढ़ा है आपने, ठीक है, मैं एक बार और टॉपिक को रिवाइज कर रही हूँ। जो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम है वो कब स्टार्ट हुआ, 1951 में, लेकिन नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में कन्वर्ट किया कब, 1977 में। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इसके कि जो भी द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर इज़ बेसिकली रिलेटेड टू क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये किससे रिलेट करता है, बेसिकली क्वालिटी ऑफ लाइफ से। ठीक है, और इसके अंदर क्या इंक्लूड है, एजुकेशन, न्यूट्रिशन, वुमन्स वेलफेयर राइट्स, शेल्टर, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, और वाइटल फैक्टर एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं वेलफेयर के अंदर। ठीक है, एम्स क्या है इसका, टू प्रमोट, मतलब प्रमोट करना है किसके लिए, स्मॉल फैमिली साइज नॉर्म के लिए प्रमोट करना है कि स्पेसिंग मेथड जो हैं उनको यूज़ करने के लिए। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव सप्लाई हैं उनको एडुकेट सप्लाई दें उनकी। ठीक है, जो भी एलिजिबल कपल हैं उनके लिए। नेक्स्ट है गोल्स क्या हैं, डेथ रेट रिडक्शन हुई 10 से लेकर 9 पर 1000 पॉपुलेशन में, और राइजिंग कपल प्रोटेक्शन रेट 43.3 to 60%। ठीक है, रिडक्शन एवरेज फैमिली साइज नॉर्म कितना हुआ, 4.2 था फिर 2.3 लेस हो गया। नेक्स्ट डिक्रीज इन्फेंट मॉर्टिलिटी रेट 79 से लेस देन कितना, 60 per 1000 लाइव बर्थ इतना हुआ। स्ट्रेटेजी में आपको बताई मैंने कि इंटीग्रेशन विद हेल्थ सर्विसेज के साथ इंटीग्रेट करके चलना है, लिटरेसी, ब्रेस्ट फीडिंग, राइजिंग द एज फॉर मैरिज, इंसेंटिव, मास मीडिया, मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन में स्पेसिंग मेथड्स, इसके अंदर नेचुरल में विड्रॉल वगैरह आएगा, और वेरियर मेथड्स में फिजिकल में कॉन्डोम या डायफ्राम, केमिकल्स में सपोजिटरी जेलीज, ठीक है, आईयूडी में इंट्रायूटराइन डिवाइस, कॉपर्टी, एंड हार्मोनल में ओरल पिल और आई पिल, ये सब आएगा, माला एंड माला डी, ये सब, वैसेक्टमी और ट्यूबेक्टमी, ये आएगा टर्मिनल मेथड में। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है आपका फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, यहाँ पे स्टूडेंट्स कंप्लीट हुआ। आपको कोई भी डाउट है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू क्लास।